विवेक निरंजन स्मृति में विवेक निरंजन मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा झांसी में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर बच्चों ने हिस्सा लिया। झांसी के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक पंडित रवि शर्मा व विवेक निरंजन मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष रामकृष्ण निरंजन ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद पतंगबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित बच्चों ने पतंग उड़ाकर प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए भरपूर प्रयास किया, जहां विधायक रवि शर्मा भी अपने आप को रोक ना सके और उन्होंने भी पतंग उड़ाकर बच्चों का उत्साह वर्धन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रवि शर्मा ने कहा कि समय समय पर इस तरह के आयोजन से बच्चों का विकास होता है और पतंग उड़ाने से उनकी आंखों में पड़ने वाली सूर्य की रोशनी से उन्हें विटामिन डी मिलता है, जो कि उनके लिए लाभदायक है। अंत में उन्होंने सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। आज स्वर्गीय विवेक निरंजन मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ये पतंग उत्सव, इस पतंग उत्सव में आज विवेक के पिताजी श्री रामकृष्ण निरंजन, जो कि मेरे मित्र भी हैं, विवेक तो इस दुनिया में कई वर्षों पूर्व नहीं रहा, लेकिन उनके पिताजी उसे सदैव याद करते हुए विभिन्न उत्सवों के माध्यम से समाज में युवाओं में चेतना कैसे बनी रहे, युवा जागरूक कैसे बना रहे, हमारी धार्मिक सांस्कृतिक धरोहरें युवाओं के अंदर कैसे जीवित बनी रहें, उसका प्रयास सदैव श्री रामकृष्ण निरंजन जी करते हैं। आज छठवीं पतंगबाजी प्रतियोगिता इस पॉलिटेक्निक ग्राउंड पर, और यहां पर छोटे बच्चों के साथ साथ युवाओं का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। आज युवा खेल से दूर होते चले जा रहे हैं, प्लेग्राउंड सिकुड़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे समय पर श्री रामकृष्ण निरंजन जी और विवेक निरंजन के दोस्तों की टीम का ये प्रयास, जिसमें हम युवाओं को प्लेग्राउंड तक लाने का प्रयास शुरू करें। आज पतंग जब हम उड़ाते हैं ना, तो अकेले पतंग नहीं उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने से हमको सीधे सूर्य की रोशनी के हम संपर्क में आते हैं, जिससे कि हमको शरीर में होने वाली बीमारियां, खासतौर पर विटामिन डी की जो कमी युवाओं में पाई जा रही, उससे भी निजात मिलती है। चाहे प्लेग्राउंड हो, चाहे कोई भी खेल हो, खेल करके ही इस विश्व को हम लोग जीत सकते हैं और विश्व गुरु के सिंहासन पर हिंदुस्तान को विराजमान करवाया जा सकता है। यदि युवा निराश होगा, हताश होगा, तो वो राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है कि हम युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, चाहे वो खेलो इंडिया का माध्यम हो, चाहे विभिन्न माध्यम से हम युवाओं को घर से निकालने का काम करेंगे। आज का ये उत्सव निश्चित रूप से बड़ा शानदार उत्सव है, उसमें आने का अवसर मिला, उसके लिए श्रीमान रामकृष्ण जी को बहुत बधाई, धन्यवाद। स्वर्गीय विवेक निरंजन की स्मृति में ये पतंग प्रतियोगिता छठवीं पतंग प्रतियोगिता है। इस पतंग प्रतियोगिता को आयोजित करने में विवेक निरंजन मेमोरियल फाउंडेशन और विवेक फ्रेंड्स कॉलेज एकेडमी के द्वारा की जा रही है। इसमें बच्चों की जो उम्र रखी गई 12 से 18 वर्ष के उम्र के बच्चों की रखी गई है। ये ऊंची उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोग ऊंची उड़ान प्रतियोगिता इसलिए रखते हैं ना, तो उसमें चूंकि हम जो बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, ना कि उनको डैमेज करते हैं, ना ही कि काटते हैं, जिससे कि और लोग पैच ला करके पतंग प्रतियोगिता काटने का प्रयास करते हैं, उसमें हम लोगों का ऐसा नहीं, हम लोग ऊंची उड़ान है हमेशा करते हैं। और ये छठवीं पतंग प्रतियोगिता है, उसमें लगभग अभी तक हमारे पास 30 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और भाग और भी हमारे अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रवि शर्मा सदर विधायक हैं और कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्रीमती रमा आर पी निरंजन कर रही हैं। और ये विवेक निरंजन जो उनकी स्मृति में होती है, लगभग 7 वर्ष पहले उनका निधन हुआ था, उनकी स्मृति में प्रतियोगिता आयोजित की। झांसी से आयुष के साथ शिखर की रिपोर्ट। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर झांसी। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें।
जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज बीएससी कृषि बीए बीएड बीकॉम बीएससी बायोमैथ ग्राम धवाकर मऊरानीपुर झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी पेट्रोल पंप के पास स्टेशन रोड मऊरानीपुर। ऐसा स्वाद और कहां जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहां कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद, तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड मोती होटल के पास स्टेशन रोड मऊरानीपुर। यार जो सुसरता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुंजा कर रहे हो, तुम कान खोल के सुनो, कौन ऐसी वैसी पुट्टी नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओपी जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it.